ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पे, फंडामेंटल्स। ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अभी जो मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, इसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो एग्जाम में आता है बहुत बार, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड पहले लिख देता हूं मैं, फिर समझाता हूँ। पार्टनरशिप डीड is a written agreement among the partners containing all the details about the partnership. For example, profit and loss ratio. For example, profit and loss ratio, capitals to be brought by the partners, name and address of each partner. Name, address, and you can say mobile numbers, name, contact numbers, and address of each partner. Limit of drawings of each partner. Interest on capital to be given to partners. Interest on drawings to be charged from the partners salary or bonus or commission or remuneration. ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ एक्सेट्रा। अब मैं समझा देता हूँ ये क्या लिखा है। पहली लाइन में लिखा है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, लिखित, लिखा हुआ। डीड मतलब लिखा हुआ। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन शब्द पे ध्यान देना। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो एक पार्टनर्स लोग मिलके एक लिखित एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हर एक पार्टनर साइन भी करता है। इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ होता है कि पार्टनर्स का पीएनएल रेशियो क्या होगा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, हर एक पार्टनर का नाम, नंबर और एड्रेस, कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग्स कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे कि नहीं, और अगर हम देंगे तो कितना परसेंटेज देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेंगे कि नहीं, और अगर लेंगे तो कितना परसेंटेज लेंगे, पार्टनर सैलरी और बोनस और कमीशन और रेम्यूनरेशन, मतलब हम पार्टनर्स को कितना सैलरी या बोनस या कमीशन या रेम्यूनरेशन देंगे। तो ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक अ पार्टनरशिप डीड इन रिटन फॉर्म। इट इज नॉट कंपल्सरी, हमारी गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप डीड को लिखा हुआ हो, लिखित रूप में हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं बोला है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक पार्टनरशिप डीड इन रिटन फॉर्म, बट इट इज एडवाइजेबल टू मेक अ पार्टनरशिप डीड इन रिटन फॉर्म to avoid any future disputes among the partners. मतलब रिटर्न फॉर्म में होना, पार्टनरशिप डीड का लिखित रूप में होना, रिटर्न फॉर्म में होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न फॉर्म में होगा तो फ्यूचर में पार्टनर्स में कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई पार्टनर बोलेगा मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कोई पार्टनर बोलेगा मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो झगड़े नहीं होंगे। अगर रिटर्न फॉर्म होगा तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है वो ही होगा।
ठीक है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकती है, लिखी हुई भी हो सकती है, या ओरल बातचीत करके। पार्टनर्स लोग आपस में खाली बात करते हैं कि हाँ चलो पीएनएल रेशियो ये होगा, कहीं पे लिखा नहीं, बट बोल के भी पार्टनरशिप डीड, मतलब एक दूसरे से बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये पीएनएल रेशियो होना चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड लिखे तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो और पार्टनर्स में झगड़ा हो गया कि किसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसको कम प्रॉफिट मिलेगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के क्या डिसीजंस होंगे, और वही डिसीजंस आपको एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, तो ध्यान से सुनो। इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रिपेयर्ड, या तो पार्टनरशिप डीड बनाई हुई नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड, और द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पर्टिकुलर मैटर, एनी पर्टिकुलर इश्यू और मैटर। तो अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, या पार्टनरशिप डीड बनाई हुई नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट को या हमको एज अ स्टूडेंट क्या सॉल्यूशन देना है, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा। पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये कि प्रॉफिट या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत सारे सम्स में काम आएगा और बहुत सारे चैप्टर्स में। प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकली क्या, इक्वली मतलब क्या? इक्वली मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं तो 1:1, अगर तीन पार्टनर्स हैं तो 1:1:1, अगर तीन पार्टनर्स हैं तो 1:1:1, अगर चार पार्टनर्स हैं तो 1:1:1:1 चार बार। ठीक है, इक्वली का मतलब ये होता है दो पार्टनर्स हैं तो 1:1 दो बार, तीन पार्टनर्स हैं तो 3:1, चार पार्टनर्स हैं तो 4:1, ये इक्वली की मीनिंग होती है। ठीक है, ये एग्जांपल। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस सारे पार्टनर्स को मिलेगा इक्वली, हो गया। प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। और पार्टनर्स को क्या मिलेगा क्या नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे भी नहीं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे भी नहीं। सैलरी और बोनस और कमीशन, सैलरी और बोनस और कमीशन और रेम्यूनरेशन विल नॉट बी गिवन टू पार्टनर्स। कोई पार्टनर बोलेगा कि मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, मेरे को अलग से सैलरी चाहिए, मैंने काम बहुत ज्यादा किया है, मेरे को अलग से सैलरी चाहिए, कोई पार्टनर ऐसा बोलता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाई हुई नहीं है तो हम उस पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे। कोई पार्टनर बोलता है मैंने बहुत काम किया है, मेरे को सैलरी चाहिए अलग से, तो हम उसको सैलरी नहीं देंगे। कोई पार्टनर बोलता है कि मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। कब? जब पार्टनरशिप डीड बनाई हुई नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, समझो, या तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में मान लो पीएनएल रेशियो के बारे में कुछ बताया नहीं है, या तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, या पार्टनरशिप डीड बनाई है पर उसमें पीएनएल रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पीएनएल रेशियो होगा 1:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन नहीं,
एक चीज पार्टनर्स को मिलेगी, सुनना ध्यान से, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड, एडवांस मतलब गिवन, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड मतलब गिवन लोन टू द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, इफ द इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड या गिवन लोन टू द बिजनेस देन ही विल बी गिवन 6% इंटरेस्ट, देन ही विल बी गिवन 6% इंटरेस्ट पर एनम, ही विल बी अलाउड या ही विल बी गिवन, ही शुड बी पेड 6% इंटरेस्ट पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। लोन मतलब पार्टनर ने कैपिटल का पैसा अलग से दिया है, लोन का पैसा अलग से दिया है, तो जो कैपिटल का पैसा दिया है पार्टनर ने उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टनर ने लोन का पैसा दिया है बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को 6%। मतलब दिस इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द फर्म मतलब बिजनेस टू द पार्टनर। ये इंटरेस्ट फर्म मतलब बिजनेस पे करेगा किसको, पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया तो उसके बदले में पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, एक मैं यहाँ पे नोट बताता हूँ जो रेयरली आपको किसी बुक में मिलेगी, सुनना ध्यान से, एक नोट बताता हूँ। ऊपर क्या था ये वाली पॉइंट में, फिफ्थ वाली पॉइंट में, कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट होता है 6%। अब इसका उल्टा कर देते हैं, इफ द फर्म मतलब बिजनेस हैज गिवन लोन टू द पार्टनर, ऊपर क्या था फिफ्थ पॉइंट में कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, और ये वाली वन पॉइंट में क्या है कि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, इफ द फर्म हैज गिवन लोन टू द पार्टनर देन द फर्म विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट। मतलब अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, बिजनेस ने लोन दिया है पार्टनर को, तो बिजनेस को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं। इट मींस द पार्टनर विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू द फर्म। अच्छा, ये सब डिसीजन कब लेने हैं, ये सारे जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो तो ये सारे डिसीजन लेने, पार्टनरशिप डीड बनाई हो और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो दोनों साइड से, पार्टनर ने लोन दिया है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या बिजनेस ने लोन दिया उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हुए हैं तो उसी को फॉलो करना है। ये सारे रूल्स कब फॉलो करने, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो तो ये रूल्स फॉलो करने। ठीक है, तो मैं एक बार सारा स्क्रॉल कर देता हूँ, मैंने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या बताया। अच्छा, एक सिक्स्थ पॉइंट मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिक्स्थ पॉइंट और लिख देता हूँ, इफ एनी पार्टनर हैज पेड एनी एक्सपेंस पर्सनली, इफ एनी पार्टनर हैज पेड एनी एक्सपेंस पर्सनली आउट ऑफ हिज प्राइवेट पैसा, प्राइवेट पैसा मतलब प्राइवेट फंड्स, इफ एनी पार्टनर हैज पेड एनी एक्सपेंस पर्सनली आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स फॉर द बिजनेस, मतलब कोई पार्टनर है उसने एक्सपेंस पे किया है बिजनेस के लिए, ठीक है, देन द पार्टनर मस्ट गेट दिस अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब अगर वो पार्टनर है उसने बिजनेस के लिए कोई खर्चा पे किया अपने घर के पैसों में थे, पर्सनल पैसों में थे, तो वो पैसा पार्टनर को मिलेगा, हाँ मिलेगा, बिजनेस में थे पार्टनर को पैसा मिलेगा, पार्टनर ने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया अपने घर के पैसों में थे दिए पैसे, तो पार्टनर को ये पैसा, इसको बोलते हैं रीइंबर्स या कॉम्पेंसेट, तो ये कॉम्पेंसेशन या ये रीइंबर्समेंट पार्टनर को मिलेगा बिजनेस में थे। ठीक है, क्लियर, आगे मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से लिख लेना सब लोग, पार्टनरशिप डीड के बारे में जो भी बताया तैयारी वाले पेज में लिखना अच्छे से। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो, शॉर्टकट में बता दूं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो
तो पार्टनर्स को दो ही चीजें मिलती है, एक प्रॉफिट या लॉस इक्वली, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो तो पार्टनर को दो ही चीजें मिलती है, प्रॉफिट या लॉस इक्वली मिलता है, और अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। ये दो ही चीजें पार्टनर्स को मिलती है और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, चलो यहां तक लिख लो अच्छे से। देखो बेटा सब लोग,